और अहम जानकारी मिल रही है, जरा वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए बुरी खबर। आज जो भी खबरें सामने आ रही है अभी तक के लिहाज में, वो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के लिए बुरी साबित इस लिहाज से हो रही है कि चाहे वो कलाना की बात कर ली जाए, सांपला की बात कर ली जाए, यहाँ पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। हालांकि ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दोनों ही जगहों पर जो भी पार्टी उतरी थी चुनावी मैदान में चिन्ह के साथ, उनके लिए भी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई क्योंकि निर्दलियों ने बाजी मारी है। तो वही सोनीपत से कांग्रेस के खेमे के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि भारी बढ़त है, 5,500 वोट से कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे निकली है। बीजेपी को अभी तक यहां पर 24,000 वोट मिले हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो 28,000 यहां पर वोट मिले हैं। इस बीच अंबाला की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, वहां से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि अंबाला से देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत दिलचस्प ये मुकाबला देखने को मिला। 9 वार्ड के रुझान सामने आ चुके हैं। वार्ड 1 और वार्ड 2 में हरियाणा जन चेतना पार्टी आगे चल रही है, आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। शुरू से ही लीड यहां पर बनी हुई है। 10 वार्ड के रुझान आ चुके हैं, हालांकि बाकी 10 वार्डों में किस तरीके की परिस्थितियां होती है वो देखना महत्वपूर्ण। कुल 20 वार्ड है और अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें वार्ड 1 और 2 पर यहां पर आगे चल रही है हरियाणा जन चेतना पार्टी, 3, 6, 8 में बीजेपी आगे चल रही है, तो 5, 7, 9, 10 ये वार्ड है इसमें कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। वार्ड 4 में HDF आगे चल रही है। ये हम आपको अंबाला के अलग अलग वार्ड में क्या कुछ हाल है ये आपको बता दें। लेकिन मेयर पद के कैंडिडेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर शक्ति रानी शर्मा ने ही शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई है।